सेक्शन ऑफ स्टैंड। अब जरा देखो कि तो हम लोग जब ऐसे काटेंगे उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल कट। अगर कोई यहां से आपको कट कर दे तो ट्रांसवर्सल है, यहां से कट कर दे तो क्या होगा बोलो, लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, और एक होता है क्षैतिज काट, एक लंबवत काट। सो दैट इज मालूम है उनको, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो सेवेंथ सिक्स में पढ़े हुए हैं, नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है वो नॉयल है, नहीं सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि एक हम लोग ट्रांसवर्सल सिस्टम पढ़ेंगे। सो नाउ ट्रांसवर्सल में देखो, यहां पर बहुत सारे चीजें अरेंज हैं। तो क्या है सबसे बाहर में क्या होगा ये बताओ, ये क्या है, ये चीज देवी का क्या है जो आउटर में है? एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे पहले सबसे बाहर तो बार्क होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें बुक में क्या दिया गया बताइए, एपिडर्मिस। सो दिस इज एपिडर्मिस। अच्छा, हम लोगों में ये एपिडर्मिस है। अच्छा, इसके अंदर जो डर्मिस है त्वचा, उसको क्या कहेंगे? करेक्ट, जैसा कि आपने बताया कि मीजोडर्मिस, और जो सबसे अंदर है उसे क्या कहेंगे बताओ? जैसे कोई त्वचा है तो उसमें क्या है, दैट इज सबसे आउटर पार्ट है स्किन, उसे क्या कहोगे बोलो? ये देखो, जैसे मान लो ये हम लोग की स्किन का ही तो इंटरसेक्शन है, ये जो पतली सी स्किन दिख रही है उसको यहां दिखाया गया, ये पूरी स्किन दिखाई गई, और ये हेयर है क्या हम लोग? तो आउटर पार्ट को क्या कहा गया बताओ? एपिडर्मिस। उसके नीचे को क्या कहा जाएगा? मीजोडर्मिस। और सबसे अंदर को एंडोडर्मिस। हम लोगों में भी यही है, इनमें भी यही है, लेकिन इनमें मीजोडर्मिस की जगह क्या लिख दिया है आपकी बुक में? वो बता दी हाइपोडर्मिस, उतनी देर में जितनी देर आप देखे, मतलब सबसे बाहर एपिडर्मिस, हमें वो मीजोडर्मिस है, और इनमें क्या है? हाइपोडर्मिस। तो उसके अंदर में क्या होगा? हाइपोडर्मिस। हमारी आपके बुक में थोड़ा फर्क है, आपके बुक में थोड़ा कम डिटेल है। ये देखो, एपिडर्मिस, तो फिर क्या आएगा? लिखा नहीं इसमें, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, चलो ठीक है। सो अब और आगे देखो, इसमें अब यहाँ पर, यहाँ हाइपोडर्मिस होगा, क्या होगा? हाइपो डर्मिस का मतलब है हाइपो मिडिल त्वचा, और एंडोडर्मिस अंदर की है ना, इंटरनल स्किन, और ये आउटर को क्या कहेंगे? एपी। ओके, नाउ अब जरा देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वेस्कुलर बंडल होंगे, दीज आर रेडियली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? जैसे रेडियस नहीं होता है अंदर की ओर, तो ये कैसे अरेंज है? रेडियली अरेंज है, और ये सब एक साथ क्या करेंगे, क्या वॉटर का, वॉट दे विल डू, दे विल कंडक्ट वॉटर, और ये पूरा नीचे तक होंगे, रूट तक जाएंगे, पतली पतली रूट होगी वहां तक भी जाएंगे सारे। तो आपकी बुक में नीचे तक दिखाया गया है कि नहीं इसे? तो ये अच्छा, जो जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वो पेड़ कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना। तो यहाँ पर कैसे पता चला वो 500 साल पुराना है? क्योंकि इसके आउटर में पेरिसाइकल होता है, हर साल में नई लेयर आती है, वो जमती जाएगी, 5000 साल पुराना है, 500 साल। वो देखो, तो ये एक इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बनी है आपके रूप में, ठीक है। तो अब जरा देखें, सो सच काइंड ऑफ लेयर जिसमें वेस्कुलर बंडल अरेंज है। सो देयर इज अ काइंड ऑफ पेरिसाइकल, यहां पर पेरिसाइकल, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो हम लोगों में भी क्या होता रहता है कि बहुत सारी ऐसी स्किन होती है जो एक साथ इकट्ठा हो जाती है। इसी के अगले पेज पे देखो,
ये हम लोगों की आउटर स्किन है, ऐसा देखो, ये ऐसा दिखाया गया है, जैसे रद्दी पेपर, एक के ऊपर एक रद्दी पेपर रखे चले जाए न्यूज पेपर, तो सबसे नीचे वाला पेपर क्या सबसे पीला होगा और ऊपर वाला फ्रेश होगा, या ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं? तो वैसे ही जो हमारी स्किन है ये मल्टी लेयर्ड कैसी होगी, और ऐसे ही प्लांट्स में भी धीरे धीरे जब सीजन बदलते हैं, कई बार किसी किसी की हल्की हल्की स्किन उतरती भी है ना, एक एक लेयर निकलती रहती है, तो एक नई लेयर आएगी फिर दूसरी होगी, तो ऐसा होता है बारिश के टाइम पे एक स्किन पतली से निकलती है, सो उसका अलग अलग कलर होता जाएगा, टेक्सचर होता जाएगा एक के ऊपर, और ये कुशनिंग इफेक्ट भी दे, यानी अगर हाथ आपका कहीं पड़ गया तो उसमें क्या, वो थोड़ा सा कुछ तो गद्देदार है ही है ना, तो इट गिव्स अस कुशनिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर ये चीज क्या बताओ जो ये मैं बना रहा हूं, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का क्या मतलब होता है कि द नंबर ऑफ इयर्स सिंस द प्लांट हैज टेकन बर्थ और इट इज जर्मिनेटेड फ्रॉम सीड, कितने साल हो चुके हैं इस प्लांट में, उसको कहते हैं, ठीक है, उस जो जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उस पेड़ को वहां की राजकुमारी ने कटवा भी दिया था, लेकिन फिर उसके बाद वो उगाया, यानी उसका सर्वाइवल था तो फिर से उगाया। तो अब यहां पर इस चीज को क्या कहा गया, पेरी साइकल। आगे देखो, नेक्स्ट इज चंदन, यहां पर क्या बताया आपने, जैसा कि चंदन ने बताया, ये एक नए ऐप का नाम है कॉर्टेक्स, दैट इज अगेन ए काइंड ऑफ कुशनिंग इफेक्ट, कॉर्टेक्स, ठीक है, सो वो भी फिलर है, और ये भी एक तरीके का पैरेन्काइमा होगा, फिलिंग के लिए जो जो जगह है वो सब किससे भरी हुई होती है, पैरेन्काइमा से। तो कॉलेनकाइमा का क्योंकि वो हार्ड हो चुका है, जब नया नया है जिसे खा सकते हो वो पैरेन्काइमा है, लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाए, जैसे हमने कहा लीफ के पिटियोल या स्टैक में जो चीज होती है वो क्या होगी, कॉलेनकाइमा, और हार्ड हो जाए नारियल के झूठ की तरीके, तो वास्तव में ये इतना गद्देदार तो नहीं होगा कि स्टेम तुम खा लो, तो वो कॉलेनकाइमा टाइप होगा, जैसे कि गन्ने का, गन्ना खाया जैसे नहीं, कितना हार्ड होता है, तो वो कॉलेनकाइमा। अच्छा, तो ये कॉर्टेक्स बना होगा, आपकी बुक में इसको कॉलेनकाइमा लिखा है ना, एक नई बुक भी दे दो तो मैं उससे इसको दोनों को रिकंसाइल करके दिखा रहा हूँ। किसी ने दो बुक नहीं, किसी के जहाँ से दो हूँ वहां से ले लेंगे तो आपस में लोग बेहतर रहेंगे। चलो अब देखो, फिर कॉलेनकाइमा के अंदर फिर क्या होगा, मान लीजिए कॉलेनकाइमा है, फिर एक और लेयर होगी, उसको क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा, तो यहाँ पर इसे कॉलेनकाइमा कहा है और अंदर वाली लेयर को क्या कहा है, दैट इज पेरेन्काइमा। अच्छा, इसके बाद अब इसके आप तीन हिस्से कर लीजिए, तो दैट इज जो बीच का पोर्शन है वो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है सौरभ, बोलो, तुम तो रोज पढ़ के आते हो तो बताओ सौरभ, हाँ अब बोलो मैम, आप बोलिए, और वो क्या करेंगे, वो उसकी गट, प्लांट की गट को इंग्रीज करेंगे ना, तो अब तुमसे सरल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्ड नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि सिंपली तुम जवाब नहीं देते हो, ठीक है कि नहीं, और सरल कर दो तो ये पूछ रहे, क्या प्लांट चल फिर सकते हैं, तो बोलोगे नहीं सर, वेरी गुड, क्या प्लांट के दांत होते हैं, नो, ऐसे पूछा जाए, भाई जितने सुंदर हो उतने अच्छे जवाब भी दिया करो। अब आगे देखो, नाउ अब इसके ऊपर क्या है, कैम्बियम के ऊपर क्या है बताइए, फ्लोएम होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, जाइलम। सो लेट अस ड्रॉ, कैम्बियम बनाया जाए, फ्लोएम बनाया जाए, जाइलम बनाया जाए, इन्होंने फ्लोएम को ग्रीन पार्ट से लिखा है, तो हम भी ग्रीन पार्ट को आउटर तक ले जाएंगे, ठीक है, सो यहां पर ये सारा जो भी होगा ये सब क्या होगा, This is phloem.
दिस इज फ्लोएम और नेक्स्ट इज ये सब तो फ्लोएम हो गया। अच्छा अब देखिए इसको एक पार्ट अलग करेगा जो कि कैम्बियम होगा, ऐसा आपके बुक में ब्राउन कलर से दिखाया गया। सो लेट अस सेपरेट इट फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये है कैम्बियम। दिस इज कैम्बियम जो इसकी मोटाई को बढ़ाएगा, प्लांट की गर्थ को। अच्छा अब इसके बाद देखो अंदर में कैसा है। सो साइलम बना दो। नाउ ये जाइलम है, यहां तो आप कुछ भी बना दोगे चलेगा, क्योंकि जब हम इलेबोरेट करेंगे तो वहां पे ठीक ठीक होना चाहिए। अब इनकी नेमिंग कर दीजिए। तो जो सबसे ये वाला पोर्शन है दैट इज फ्लोएम, दिस इज कैम्बियम, और जो रेड पार्ट है उसको क्या कहेंगे? जाइलम। कलर का कोई खास महत्व तो नहीं, क्योंकि ऐसा हम स्टेम में काटेंगे तो कलरफुल नहीं दिखता है, बस इसको इन्होंने दिखाया नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन। जब उसको हम क्या करेंगे, कोई एक स्टेनर लगाएंगे, उसके बाद धोएंगे तब उसमें कलर आता। जैसे आपने उसमें कोई कलर लगा दिया आप फिर धो दिया तो उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट अलग अलग कलर के हो गए। समझ में आई बात? Yes. अच्छा अब जरा देखो, नाउ वन ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज मैग्निफाइड। तो एक अब वैस्कुलर बंडल लो और उसके बाद उसका एक मैग्निफाइड वर्जन बनाओ। तो सबसे ऊपर क्या होगा, क्या ये वैक्सी क्यूटिकल होगा? दैट इज यहां पर देखो, तो जो वैस्कुलर बंडल है देखिए, नाउ लेबल्ड डायग्राम ऑफ वैस्कुलर बंडल। जो सबसे बाहर है ना, फ्लोएम कैम्बियम जाइलम, यहां पर दिखाया गया है ये देखिए। तो सबसे ऊपर क्या दिखाया गया है, ट्राइकोम कहा गया है। ट्राइकोम इतने सारे उसमें हेयर होंगे, चाहे खीरा हो या कोई नई लौकी लेने बहुत रोम होंगे, उससे उस पर डस्ट नहीं आती है, नहीं तो क्या होगा, डस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, और डस्ट डिपॉजिट होगी तो क्या होगा, वो सही। उन्होंने कहा सर उस पर स्टोमेटा होते हैं, वो सांस कैसे लेगा, उस पर मिलियंस ऑफ स्टोमेटा होंगे,
और जब डस्ट डिपॉजिट हो जाएगी तो वहीं से तो सांस लेगा बार बार, उसके वो स्टोमेटा खुलते बंद होते हैं, उससे गैस का एक्सचेंज होता है। तो उन्होंने कहा कि स्टोमेटा फिर बंद हो जाएंगे, फिर वो पौधा ही मर जाएगा। तो इसीलिए डस्ट, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। तो दैट इज ट्राइकोम का क्या पर्पज उन्होंने बताया, रूट हेयर्स, दैट इज टू रिपेल, डू नॉट अलाउ एनी डस्ट। कई बार नई पत्तियों में भी ऐसे आपने देखे रोए रोए से होते हैं, छूने को पता चलता है कि नहीं। तो दैट इज ये डस्ट को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अब आगे देखिए इसके नीचे क्या होगी। नाउ अमन ये बताओ इसके ठीक नीचे की लेयर क्या है, कितना देखो हम सोचते हैं कि पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा ही लोग जानते हैं। So that is, इसके ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर है, पहले ये बताओ ये लेयर किस चीज की, ये लेयर किस चीज की, क्यूटिकल है। देखो क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल का क्या मतलब होता है, वैक्स से होता है क्यूटिकल। तो ये एक तरीके का वैक्स होता है जिससे प्लांट्स में या पत्तियों में चमक होती है। तो 10-10 दिन तक भी पानी अगर बरसता रहे तो पानी जमा नहीं होता पत्ती पे, वो फिसल जाता है। कभी कमल के पत्ते पे देखा है पानी नहीं जमा होता है, तुरंत फिसल जाता है। सो वैक्स का क्या काम होता है कि इट डज नॉट अलाउ फ्रॉम एनीवेयर एल्स टू इंटर वाटर। सिर्फ कहाँ से अगर कोई भी चीज आएगी तो वो स्टोमेटा के थ्रू आती है। जरा देखें कि चाहे प्लांट हो या इसकी आउटर स्किन हो किसी भी चीज की, तो उसमें क्या चीज होती है जिसको कि सौरभ ने बताया, हम लोग भी उसे देखें, दैट इज स्टोमेटा को पहले देखें तब हमें और समझ में आ जाए। दैट इज ये देखो स्टोमेटा ऑन लीव्स, देखिए is more on the lower surface of leaves. If transpiration happens throughout the day, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening. At the end of this session, explain transpiration in plants. These narrow-walled hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. Water and minerals enter the root by two pathways, apoplastic pathway and symplastic pathway. If water and minerals move symplastic pathway, the narrow, hollow tubes containing no living material. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata. This process is known as फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत है, ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए देख लो। ये देखिए कि जो प्लांट है वो CO2 कहाँ से लेगा बताओ, सराउंडिंग से, और पानी कहाँ से लेगा, रूट से। तो वाटर नीचे से लेगा और ये, और साथ में सनलाइट किस से लेगा, सन से। और क्लोरोफिल का किसके पास है, क्लोरोफिल उसी प्लांट में है, लीव्स में ना, हरी होती है पत्तियां कि नहीं। अच्छा अब देखो अगर मैं इसमें भी 6 लगा दूं, इसमें भी 6, तो इससे क्या तुमने कभी फॉर्मूला पढ़ा है क्या, गैस CO2 गैस और पानी से इतना मीठा ग्लूकोज तैयार हो जाता होगा, और इसने CO2 ली और साथ ही साथ बोलो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 12, एक CO2 में 2 तो 6 सेट CO2 में कितने हैं, देखो एक CO2 में कितना बताओ, C और O2 तो कितने एक CO2 में 2, तो 6 सेट में कितने हुए, 12 यहाँ हुए और इतने 6, 18 हो गए। अच्छा यहाँ कितने हैं निकले, 6
तो अभी और भी तो 12 चाहिए, तभी तो रिएक्शन पूरी होगी। तो 6 CO2 और निकालता है। तो प्लांट क्या करते हैं बताओ, CO2 लेते हैं और हमें क्या देते हैं, और मीठे फल, दैट इज ग्लूकोज। थोड़ा 10% वो खुद भी सब पूरे प्लांट में पहुंचाते हैं, बाकी 90% हमको दे देते हैं। अगर प्योर ग्लूकोज चाहिए, अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो अंगूर खाइए। अब आगे देखिए, अंगूर प्योर ग्लूकोज, उसी को सुखा करके उसका पाउडर ग्लूकॉन डी बेचा जाता है, वही ग्लूकोज। अंगूर ग्रेप्स, ग्रेप्स जानते हो, हिंदी में आजकल लोग फल के नाम नहीं जानते, ये चीज है ना। चलो अब देखो, तो अब आगे की बात देखें, लेट अस सी। तो अब ये कहां पहुंच गया बताओ, पे। अच्छा, यहाँ पानी पहुंचा है। तुमने कभी लिमका पी है? Yes, sir. तो स्ट्रॉ से पी है? Yes, sir. जब हवा से हवा खींचती है तो क्या होता है? जब पानी ऊपर चढ़ता है या लिमका ऊपर चढ़ती है, तो इस तरीके से इन्हीं से वॉटर इवेपोरेट हो जाएगा, और वॉटर के इवेपोरेशन को कहेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या कहेंगे? क्या उसके पीछे वैक्यूम क्रिएट होगा? Yes, और उसको भरने के लिए इतने मीटर नीचे रूट से पानी खींचा जाएगा, चाहे तुम्हारी मिट्टी कितनी भी सूखी क्यों ना, उससे भी खींच लेगा पानी, क्योंकि यहाँ से जब पानी उड़ेगा तो पीछे वैक्यूम होगा ना। Yes. तुमने देखा प्लांट को पानी नहीं दिया 2 दिन से, तब भी पत्तियां जिंदा है। क्यों जिंदा है भाई? क्योंकि वैक्यूम की बहुत ताकत होती है, वो वहां से भी खींच लेगा, जरा देखो। तो इस तरीके से इन प्लांट्स में जो छोटे छोटे छेद हैं दिव्य, उनको क्या बोलोगे? स्टोमेटा। क्या बोलोगे? और ये जो प्लांट की जो आउटर लेयर है, इसे क्या बोलोगे? एपिडर्मिस। किसी की भी आउटर लेयर हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे हम लोगों की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे इवन स्टेम की भी आउटर लेयर, जो अभी मरी ना हो, जो चिप आउट होती है, वो तो बाहर है। बाहर हटा दो तब क्या निकलेगा बोलो? एपिडर्मिस। समझ आई? तो प्लांट में क्या आपको यहाँ श्रेया एपिडर्मिस दिख रहा? Yes, yes. क्या इस एपिडर्मिस में छोटे छोटे ओपनिंग होंगे? Yes, जरा देखें तो duration. क्या आपकी बात सच निकलती है? The number of stomata is more on the lower surface of leaves. ये देखो, if transpiration happens throughout the day. बताओ, ये जो पत्ती है उसके उसने पलट दी, और लोअर सरफेस में मिलियंस ऑफ स्टोमेटा है और ऊपर नहीं है। सौरभ ने भी क्या बताया था बताओ, क्यों ऊपर स्टोमेटा नहीं है, नीचे क्यों है? बताया था कि नहीं उसने, कि ऊपर डस्ट चली जाएगी तो डस्ट से उसकी सांस रुक जाएगी, इसलिए नीचे बताया उसने, कि सर हमने देखा है वीडियोस में नीचे होती है, तो उसकी भी बात सुनो। अब देखो, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening and closing mechanism. During the daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard cells and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water कि तुमने पानी में छोला भिगोया तो छोला टाइट हो जाएगा क्या? उसी हो जाता है, बड़ा फूल जाता है। उसी तरीके से पत्तियों में जब पानी आएगा तो ये स्टोमेटा टाइट हो जाएंगे, और पानी जब इनमें नहीं डालोगे रात हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, ऑस्मोसिस ज्यादा होती है। तुम फ्रिज में रख दो तुम्हारा छोला भीगेगा ही नहीं, और बाहर गर्मी में रखो पानी चढ़ेगा नहीं उसके अंदर, तो जब ये स्टोमेटा टाइट होगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा और सब पानी निकाल देगा, और जब पानी नहीं रहेगा रात में ऑस्मोसिस ज्यादा नहीं होती ठंडक में, तो ये लूज रहेगा। कैसा रहेगा? तो फिर क्या ये पानी निकालेगा? तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। फिर ये क्या करेगा? तो रात को स्टोमेटा खुले रहते हैं कि बंद रहते हैं? इन्हीं को बताने दो। जो लीफ है उसके अपर पार्ट को एपिडर्मिस कहते हैं कि लोअर पार्ट को? बोलो, बाहरी त्वचा, ये है बाहरी त्वचा, ये है बाहरी त्वचा। फिर तो इस तरीके से ऊपर स्टोमेटा होंगे कि नीचे? दिन में स्टोमेटा खुले रहते हैं कि रात को? दिन में खुले रहते हैं। वो पानी का लॉस क्यों करते हैं स्टोमेटा? नहीं, पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है, प्लांट के चारों फुट पानी ठंडक रहती है, तो क्यों वो इवेपोरेट करते पानी? हाँ बोलो, कौन बता रहा था इधर से? बता,
वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब वाटर उसमें से निकलता है तो पीछे क्या खाली जगह हो जाएगी, नहीं पानी तो निकल गया, उस खाली जगह को भरने के लिए रूट से नया पानी आएगा। और इस तरीके से एक वाटर पंप काम करता है, तो लीफ में नीचे से पानी आता रहेगा, 90% वो पानी बाहर फेंक देते हैं, 10% का ही ग्लूकोज बनाते हैं। तुम अगर एक मग पानी डालोगे तो 1/10 part का ही वो ग्लूकोज बनाएंगे, बाकी किसमें चला जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो आउटर लेयर है उसको क्या कहेंगे बताइए, एपिडर्मिस के बारे में आपने देख लिया, अब हम आगे की बात करते हैं। अच्छा, वैक्सी क्यूटिकल भी देख लिया, वैक्सी क्यूटिकल किस तरीके से होगा बोलो, आउटर में, फिर इसके बाद एपिडर्मिस, और नेक्स्ट देखो क्या बना है एपिडर्मिस के बाद, कॉलन काइमा बना होगा, कॉलन काइमा अगर थोड़ी हार्ड हो गई है तो उस तरीके की स्किन को क्या कहेंगे, कॉलन काइमा, ठीक है। और ये देखो, और फिर थोड़ी जो सॉफ्ट होंगी उन्हें क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर कॉलन काइमा हमेशा सबसे कोमल कौन होता है, अच्छा फिर उसके बाद ये देखिए, सो अभी ये मैंने बनाया कोलन काइमा, दैट इज कोलन काइमा, एंड बिलो दिस हियर इज स्क्लेरल काइमा, सबसे बाहर है वो बार जो मर गया, जो बिल्कुल चिप, हमने एक बार आपको वो दिखाया नहीं था, बार टाइप, तो वो ऐसा ही होता है, बार में हमने एक पेड़ के पास खड़े थे, हमने उसमें से देखा कि कोई देख नहीं रहा, उखाड़ के ले चलो बच्चों, ये था वो, समझ में आया कि नहीं। अब ये क्या है उसके नीचे बोलो, स्लेरिन टाइम है या नहीं, हो सकता अपेरेंट टाइम, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी इसमें कहीं ना कहीं नीचे से हर एक वेस्कुलर बंडल में, अब इसका नाम इसमें दिया गया है, दैट इज म्यूसिलेजेनियस कैनाल, तो मैं इसको भी बना लू, देखो सबसे बीच में है ये म्यूसिलेजेनियस कैनाल, ऐसा बना है तो इसको लिख दो म्यूसिलेजेनियस। इसका पर्पस हम देख लेंगे, ज्यादा नोन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद पैरेन्काइमा के बाद क्या आएगा, ये लिखो कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा थोड़ी हार्ड होती है और इसमें क्लोरोफिल होती है, समझ आ गई बात कि नहीं, और इस ये हो गई पैरेन्काइमा। अब इसके नीचे देखो, अब आएगी फ्लोएम, तो फ्लोएम आप देखिए, बता रहा हूँ म्यूसिलेजेनियस कैनाल, म्यूसिलेजेनियस कैनाल, देखो म्यूसिलेजेनियस कैनाल, MUCILAGENIUS, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद दिखाया गया है कि यहाँ पर जो आपको सबसे पहले ये था, ये क्या था बताओ, एपिडर्मिस, देखो एपिडर्मिस है, मतलब एपिडर्मिस कहाँ लिखा बताओ, क्या चीज लिखा, एपिडर्मिस तो लिखा है ना, ठीक है। सो ये वाली लेयर एपिडर्मिस है, और फिर उसके नीचे भी एक लेयर है, दैट इज जो अंदर वाली ये लेयर है वैसे ये कोलन काइमा है, लेकिन इसे कहेंगे हाइपोडर्मिस, इसे क्या कहेंगे, हाइपो का मतलब मध्य की त्वचा, हाइपोडर्मिस, और जो अंदरूनी त्वचा होगी उसे क्या कहेंगे, एंडो एंडोडर्मिस, सबसे अंदर की चीज, सही कि नहीं। अच्छा अब देखो, जो एपिडर्मिस होगी वो थोड़ी टफ होगी, रफ होगी, अगर इसको थोड़ा सा घिस भी दो कहीं पर तो कुछ होगा, और छिल जाए तो तुम घिस नहीं सकते उसको, वो करोगे तो सबसे रफ टफ क्या होगी,
इसमें ऊपर की लेयर डेड सेल से बनी हुई है, इससे बनी है डेड सेल, उसके नीचे लिविंग सेल्स है, छिल जाएगा तब पता चलेगा कि उसमें ब्लड भी आ जाता है, नहीं इसमें तो नहीं आता है। अब जरा देखो एंडोडर्मिस, आगे की बात देखिए, इसके बाद आएगा पेरिसाइकल, कि एक प्लांट, एक प्लांट कितने साल पुराना है ये चीज कैसे पता चलती है, पेरिसाइकल से। सो लेट अस सी हाउ इज द पेरिसाइकल। तो ये देखो इससे पता चलेगा कि ये पेरिसाइकल है, तो एक लेयर सी ऐसे आ जाएगी। अगर ये डिफरेंट लेयर्स हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा हम तो ज्यादा बड़ी बना रहे हैं, मेरा प्लांट 8-10 साल पुराना ही होगा, लेकिन कई कई तो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उनमें ये इतनी कॉम्पैक्ट होती हैं। और इस पे क्वेश्चन आए कि पहली साइकिल से आप क्या पता लगा सकते हो, तो दैट इज द एज ऑफ प्लांट, तो इसको लिखिए दिस इज पहली साइकिल। जितनी लेयर है पहली साइकिल, आगे देखो। अच्छा, इसमें साथ ही साथ में ये पैरेन्काइमा चलता रहेगा। अच्छा, ये तुम मुझे बता सकती हो कोमल, कि तुमको बेटा ये बताओ कि ये जो पैरेन्काइमा ये किसका पार्ट है, कोई बताए? सिंपल परमानेंट जो टिश्यू है उसके दो पार्ट बोलो, यानी एक होता है फॉर सपोर्टिंग या पैकेजिंग कह दो, और दूसरा क्या होता है प्रोटेक्टिव। तो वास्तव में ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं, पैकेजिंग या फिर किसके लिए होती है सपोर्टिव, तो ये सपोर्टिव है, समझ में आ गई बात। और ये जो एपिडर्मिस है वो किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए, और अंदर जो फिलिंग करता है वो क्या है सपोर्टिंग की। मान लो कोई उस पर किसी तरीके का मैकेनिकल जर लाठी मार दे तो वो बियर तो पड़ जाए, कुशनिंग इफेक्ट देगा कि नहीं, या फिर कोई आंधी चले तो पेड़ बचा रह जाए, तो उसको कहेंगे सपोर्टिव टिश्यू, और जो बाहर से उसको प्रोटेक्ट करे उसको क्या कहेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या ये दोनों किसके पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू किसका पार्ट है। चलो अब देखो इसके बाद आता है फ्लोएम, ये देखिए, तो जो फ्लोएम है इसके नीचे बना, ये है फ्लोएम, ये देखिए यहां ज्यादा नहीं दिखाया जा सकता फ्लोएम के बारे में, लेकिन बुक में बस ऐसे ही बना है, ऐसे ही हमें बना देना फ्लोएम, ये देखो। अच्छा नमन, फ्लोएम के नीचे क्या दिखा रहे हैं बोलो, कैम्बियम दिखाओ, कैम्बियम आज की बुक में देखो कैसा बना है, दैट इज, लेट अस ड्रॉ इट, सो बोलो ये कैम्बियम है, चंदन कैम्बियम का क्या काम है बोलो, बताइए, आप तो जानते ही हो, चंदन से पूछ है, उसने टेस्ट नहीं दिया ना इस बार, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो संजीदा है भी कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है सौरभ, ये क्या है बोले, हमको क्या पता, जानकार जो हम यहाँ कोई पढ़ने थोड़ी ना है, इनका भी बहुत अच्छा टेम्परामेंट। हाँ बोलो, ब्लू कलर का क्या है, चलो अब इसके नीचे क्या है, दैट इज फ्लोएम बनाइए, अब साइलम बनाएंगे इसको, तो इसको लिखो, ये हो गया फ्लोएम, and this is cambium, and now below this इसमें ये देखो xylem है, इस तरीके से, okay.
नाउ दिस इज ये जाइलम है। अच्छा इसके चारों तरफ भी ये सब पेरेंट्स टाइमा है जो इसके साथी बनाती हैं। अब इसके बाद आप देखिए बाकी और थोड़ा आगे बढ़े सो नाउ इट इज वेल पैक जिससे इसकी सुरक्षा हो सके। अब आगे देखो नाउ बीच में क्या दिखाया गया है कि यहां पे देखिए कि हमने आपको दिखा दिया इस चीज को अमन क्या कह रहे हो दो वैस्कुलर बंडल के बीच। पिछली बार भी तुम्ही ने बताया था याद करो नोएल करेक्ट जैसा कि नोएल ने बताया मैंडिबुलरी ने वो नहीं देखो पिछली बार नहीं बताया था तो भी बता दिए कितना हिम्मती है नहीं समझ आएगा कि नहीं। That is between any two vascular bundle. What is there? Mandibular ridge. और सबसे सेंटर में क्या होगा ये पिच अब ये देखिए नाउ जो ये सब पैरेंटाइना है इसको धीरे धीरे बड़ा भी बनाते जाइए इस सेंटर में ये फिलिंग कर रहे हैं और यानी ये इस तरीके से बनेगा तो आउटर लाइन बना लें तो उससे क्या होगा उसी को बस फिल कर ये सब पैरेंटाइना जो फिल कर रहा है इसका काम क्या है और बड़े बड़े भी बन गए ना दिस इज अगेन पिथ। अच्छा इसमें एक को वेस्कुलर बंडल कहा गया है एक एक का नाम ये भी वेस्कुलर बंडल ही है और ये एक तरीके से जो वेस्कुलर बंडल का ग्रुप है ये ठीक है तो बुक में इसे एक को क्या कहा गया है वेस्कुलर टिश्यू कहेंगे इनको ना वेस्कुलर बंडल एक को एक को भी वेस्कुलर बंडल ही कहा गया है। नाउ लेट मी चेक इट क्या ये कर ले बुक में इसे वेस्कुलर बंडल दिखता है मैं देख लेता हूँ तब फिर आपको बताऊँ एक बार देख लेता हूँ क्लियर हो जाएगा ना गूगल में सर्च किया था उसमें क्या लिखा है एक वेबसाइट में दिखा रहा था तो मैं इसे भी देख लेता हूँ What is vascular tissue or vascular bundle? According to Topper, a vascular bundle is a part of the transport system in vascular plants which is comprised of two tissues, xylem and phloem. Both the tissues conduct substances. यानी कुछ ऐसे plants होते हैं कुछ ऐसे होते हैं मॉस देखा है जमीन में गुच्छे गुच्छे घास उगी होती हैं उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं वो बहुत अभी आगे आप पढ़ोगे टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म बहुत बहुत ऐसे होते हैं छोटे छोटे गुच्छे होंगे हरे हरे काई नहीं होती जमीन तो उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं लेकिन बड़े बड़े प्लांट को क्या सक्शन और ट्रांसपीरेशन की जरूरत है वहां तो पानी पहुंचाने का पंप चाहिए तो क्या उनमें वेस्कुलर टिश्यू होंगी वेस्कुलर टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम कहा गया क्या कहा गया है जाइलम फ्लोएम एंड इन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स वेरियस वेस्कुलर बंडल्स आर अवेलेबल तो इसमें से एक बंडल ये है तो इस बंडल में कौन कौन सी वेस्कुलर टिश्यू है जो वेस्कुलर का मतलब है संवहन वाहिकाएं जो संवहन के काम में है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स वेस्कुलर बंडल का नाम क्या है ट्रांसपोर्टेशन पाइप के बंडल तो इसमें बंडल है जाइलम का बंडल है और एक फ्लोएम का बंडल है। अब जरा देखिए तो इस चीज को क्या लिख रहे हैं दैट इज जाइलम ओके एंड दिस इज ट्रांसवर्सल
सेक्शन ऑफ प्लांट, और इसको क्या लिखोगे, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में ये दो टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, एक कौन सी बताओ, फ्लोएम और दूसरी, ये वेस्कुलर टिश्यू है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है फ्लोएम और जाइलम में क्या लिखा होगा, वेस्कुलर टिश्यू। इसमें मैं सारे नाम मिटा देता हूँ और आपको पर्ची पकड़ा देता हूँ, आप इसका फिगर बनाते हुए सभी नाम के साथ इसे फिगर तो बनाना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फिगर, फिगर की हमको प्रैक्टिस करानी है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ ये न्यू सिलेजिनियस कैनाल, न्यू सिले, देखो मैंने सारे एरो छोड़ दिए आपके लिए जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि कहां पर क्या क्या एरो बनाने हैं, सही है। थोड़ा बहुत कंसीडर किया जाएगा, डायग्राम नंबरिंग कर दिया, सभी लोग बनाते हैं, कोई आप कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों डायग्राम बनाने, देखो अमन का कितना अच्छा बना है, तुम वैसे ही प्लांट टिश्यू दो तरीके के बताएं, एक मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक के थ्री पार्ट बताएं जो आप लोगों को पता है, और दूसरा क्या बताया, परमानेंट, परमानेंट के दो पार्ट बताए, एक सिंपल और दूसरा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट क्या आपको पता है, कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो इतना आप लोगों को पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके के टिश्यू बोलो, जाइलम एंड फ्लोएम आर वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज कहाँ रहते हैं, वेस्कुलर बंडल में, ठीक है कि नहीं, और वेस्कुलर बंडल बेटा किससे सेपरेटेड रहते हैं, जल्दी भूल जाते हो, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मेडुलरी ने बताया था और अभी खुद ही भूल गए, अरे किसी ने भी बताया बगल में तो बताया, कोई याद ही नहीं रहता कुछ, क्या तो ये पूछो सर ये प्लांट चलता है, बता दो, नाइन्थ के स्टैंडर्ड में नाइन्थ का पूछेंगे ना, है? तो इतनी बात समझ में आ गई, दो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या रहता है, मेडुलरी रे, म्यूसिलेजिनियस कैनाल का क्या काम है, वाटर एंड फूड को, ट्राइकोम का क्या काम है, डस्ट को, इंस्ट्रोमेटर का क्या काम है, दैट इज वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन करती है, ठीक है, और उससे वाटर वैक्यूम क्रिएट करती है तो पानी ऊपर चलता है। अब जरा देखो, सो हमारे पास दो तरीके के टिश्यू हैं, मयंक जो सिंपल टिश्यू है उसके दो टाइप्स बताओ, बोलो सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव। एक दिन के लिए आप एब्सेंट हुए हैं, बिल्कुल ऐसे टिश्यू में खोए खोए जिसे कुछ आता ही नहीं, एक दिन ही हुए हो, तो कह रहे हो तीन टाइप है जबकि दो टाइप को तीन बता रहे, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिर मिसगाइड होते हैं, सो दैट इज सपोर्टिंग, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव। चंदन प्रोटेक्टिव के दो टाइप बताओ, तुमसे पूछा था एंड बात, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा,
सो दैट इज सपोर्टिंग के तीन टाइप बताओ. पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, कोलन काइमा एंड क्लेरन काइमा. ओके नाउ सर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. नाउ लेट अस सी समथिंग दैट इज, कुछ चीजें देखें कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं. परमानेंट टिश्यू सो दीस आर नॉट डिवाइडिंग एंड ये जो है डिफरेंशिएटेड. These are the differentiated tissue. Different tissues are taking up different kind of functions. समझ में आया कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि cell differentiation takes place हो जाता है. Differentiation takes place and these tissues do not get divided. These tissues do not divide. Do not divide. नहीं करते हैं. अब इनमें भी सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो आपकी बुक में क्या लिखा है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सो दोस काइंड ऑफ टिश्यूज विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. क्या ये तीनों एक ही काम करते हैं उत्कर्ष? क्या काम करते हैं? सपोर्ट का या फिलिंग का. सो जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर हो. हाँ कहीं कहीं किसी में क्या हो कि क्लोरोफिल आ जाए और किसी किसी में और कुछ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज लिग्निन. वो लिग्निन आ जाए जैसे स्लेरेनकाइमा में लिग्निन आ जाए और इसमें क्लोरोफिल आ जाए. समझ में आई बात की नहीं? लेकिन फिर भी ये क्या होंगे? स्ट्रक्चरली इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखो इसके दो टाइप हैं. इट्स टाइप्स आर, पहला क्या बताया? सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू सो ये क्या होते हैं? देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर नियरली सिमिलर. बिल्कुल लगभग एक ही जैसा होगा. नियरली सिमिलर होंगे. अच्छा, दीज आर आइदर सपोर्टिंग और ऐसे नहीं जैसा वैसा. अपने मन से बायो मत बनाओ. सो दैट इज, अब यहाँ पर जेनेटिक्स के जनक बने जा रहे हैं. सो नाउ दीज आर आइदर या तो सपोर्टिंग होंगे. अगर सपोर्टिंग होंगे तो ये किस तरीके की स्ट्रेंथ देंगे? अभिषेक फिलिंग करेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे. ठीक है, और प्रोटेक्टिव ये कुछ भी हो सकते हैं. प्रोटेक्टिव होंगे तो आउटर स्किन होगी, चाहे बार्क हो या फिर जो लिविंग सेल्स हैं उनके ऊपर भी रह सकते हैं एपिडर्मिस. अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की नॉइज डेफिनेशन बताओ. More than one type of cells. These tissues are made of more than ये कैसे बने होते हैं? More than one. क्या आप मुझे किन्हीं complex tissues के नाम बता सकती हैं? Correct. More than one type ऑफ सेल ये इनके बने होते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज आर, इस सेंटेंस को पूरा करो.
Yes, these are complex permanent tissues. Vascular tissues क्या हैं? Complex vascular tissue. Vascular का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू, संवहन वाहिकाएं, दैट इज साइलम एंड फ्लोएम आर. ये क्या होते हैं? इस दीज आर, उसका सेंटेंस पूरा करो. ये अभी निकल नहीं पा रहे हैं उस गम से. हाँ बोलो. These are transportation tissues. These are complex permanent tissue. ये complex permanent tissue हो गए. Okay? अब जरा देखिए कि हम बात करते हैं supporting पे आ जाए. इसको define कर दिया, इसको कर दिया, simple को कर दिया, complex को भी हमने कर दिया. अब हम किस पर आएंगे? सपोर्टिंग, क्योंकि हमको पेरेंट टाइम में पढ़ना है. नाउ देखो, चलो नेम एनी टू सपोर्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है. नेम एनी टू प्रोटेक्टिव टिश्यू. नेम एनी टू परमानेंट टिश्यू. नेम एनी टू पैरेन्काइमा टिश्यू. लो, बता दिया एरेनकाइमा हो सकता है और क्लोरेनकाइमा. सब चीज देने वाले क्लोरेन, जिसमें क्लोरोफिल हो, हरा हो, जैसे भी बनाया था कि नहीं, और जिसमें एरेनकाइमा हवा भरी हो. तो पेरेनकाइमा के दो पार्ट क्या बताया, बताओ? एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा. नेम एनी टू वैस्कुलर टिश्यू. Name any two meristem, meristematic tissue. Okay. Now, चलिए यहाँ तक बात हो गई. Now define permanent tissue, simple permanent tissue and complex and answer is. हाँ? इतना ही करके दिखाओ. एरन का जी, इसमें हवा भरी जो पानी में तैर, वैसे कुछ पानी में जो तैरते नहीं रहते हैं वो, जैसे सिंगाड़ा. Okay.